मैं हूं अनिल राजभर, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 123 संपत्तियों पर केंद्र का होगा कब्जा। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्ला खान ने किया विरोध। दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है, जिसमें मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान शामिल है, जिसको लेकर वक्फ बोर्ड की तरफ से भारी विरोध भी शुरू हो गया है। केंद्र सरकार का केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में करने का फैसला किया है। केंद्र के इस फैसले का दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्ला खान ने कड़ा विरोध किया है। आप विधायक अमानतुल्ला खान ने कहा है कि वह वक्फ की संपत्तियों पर केंद्र सरकार का अधिकरण नहीं होने देंगे। अमानतुल्ला खान ने इस बारे में ट्वीट कर बताया है कि ये पूरा मामला हाई कोर्ट में अभी अवलंबित है। उन्होंने इस बात को लेकर कोर्ट में पहले से ही आवाज उठा चुके हैं। उनका कहना है कि कुछ लोग इस बारे में झूठी अफवाह भी फैला रहे हैं। इस ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा है कि वक्फ की संपत्ति पर कब्जा नहीं होने देंगे। उप भूमि और विकास अधिकारी के मुताबिक उनके विभाग के तरफ से दिल्ली वक्फ बोर्ड को भेजे गए एक लेटर में 123 संपत्तियों से जुड़े हर तरह के मामले को खड़ी करने की जानकारी दे चुका है। विभाग के तरफ से ये लेटर बोर्ड को 8 फरवरी को भेजा गया था। बोर्ड के 123 संपत्तियों में मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान भी शामिल है।